और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड क्रम्स, वो भी घर पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा रहेगा, उसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। बेल आइकन से क्या होता है कि जब भी मैं न्यू अपलोड करूँगा वीडियो तो आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगी। तो चलो आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेड क्रम्स कैसे बनते हैं। देख सकते हैं हमने पैन हीट कर लिया और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। और दूसरा स्टेप है, इसके ऊपर हम ब्रेड को ब्राउन करेंगे, लाइटली ब्राउन करेंगे। हम यहाँ पे वाइट ब्रेड यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे चार ब्रेड हम पैन में रखेंगे और उसको बिल्कुल लाइटली ब्राउन करेंगे। गाइस हमने अपने पैन में वाइट ब्रेड्स रख दी 4 स्लाइस। अब हम आपको दिखाएंगे तब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। गाइस अब हमारी ब्रेड लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हम उसको टर्न करेंगे। आप देख सकते हो हम ये ब्रेड लाइट ब्राउन हो चुकी है। हम अब सब सारे ब्रेड स्लाइस को आप हम टर्न करके दिखाएंगे आपको। गाइस आप देख सकते हैं हमने अपनी वाइट ब्रेड एक साइड से ब्राउन कर ली, अब हम दूसरे साइड से भी ब्राउन करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना कि हमको इसमें ऑयल ग्रीस नहीं करना, ना ऑयल पैन में लगाना, ना बटर या घी। इसको सिंपली हमको हीट सेकना है। तो अब हम आपको दूसरे साइड ब्राउन करके दिखाएंगे। गाइस हम अब आपको पलट के दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो गई दोनों बोथ साइड से। तो गाइस अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमने अपनी प्लेट में ब्रेड डाली। हम उस ब्रेड को टू पीसेस में डिवाइड करके हम इसको मिक्स ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमने नाइफ से अपनी ब्रेड्स को वन ब्रेड को टू डिवाइड्स कर दिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसको ग्राइंड करके दिखाएंगे आपको। गाइस अब हम मिक्सर ग्राइंडर में अपने ब्रेड्स डालेंगे। अब इसका हमको हम इसके ऊपर लीड कवर कर देंगे, लेड कवर कर दें। अब हम इसको ऑन कर देंगे। गाइस अब हमने मिक्सर ग्राइंडर ऑफ कर दिया, अब हम आपको लीड खोल के दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हैं हमारा ब्रेड क्रम्स रेडी है। और अब हम इसको प्लेट में डाल के आपको दिखाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए और कितने अच्छे बने हैं ये आप देख सकते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना। अगर आपको और अगली रेसिपी कौन सी चाहिए आप मुझे कमेंट कर देना। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।